दुबई में बाबा बागेश्वर का भव्य स्वागत। शेख बू अब्दुल्ला ने बाबा बागेश्वर धन के शास्त्री को किया एयरपोर्ट से लेकर घर तक की स्वागत और खुद चलाए कार बाबा को लेकर पहुंचे अपने घर दुबई। नमस्कार दोस्तों, हमारे बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं हरिराम बात करेंगे कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री का जो अपने झंडा सनातन का पूरी दुनिया में बजा रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लंदन समेत बाबा की नेपाल समेत पहली बार दुबई में बाबा की जो श्री हनुमंत कथा लगने जा रहा है, जो बाबा की कल जो स्वागत हुई उसे देख लग नहीं रहा था कि एक दुबई जो है इस्लाम का देश है और एक अलग देश है, हिंदू धर्म की तरह उनकी स्वागत और भव्य तरीके से उनके स्वागत किया गया। जिस तरीके से स्वागत किया गया बाबा धीरेन्द्र के शास्त्री, उनको प्रशंसा में कोई कमी नहीं छोड़ा। दुबई के एयरपोर्ट्स पर जब शेख बू अब्दुल्ला खुद ड्राइविंग कर बाबा के घर तक ले गया और धीरेन्द्र के शास्त्री कार में से खुद अपनी बात रखे और कहा कि जिस तरीके से दुबई का लोग और दुबई में रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे और स्वभाव का है, स्वभाव के होने के साथ साथ उनकी प्रशंसा जितना ही ज़्यादा करे उतना ही कम है। दुनिया की बेहतरीन देशों में गिनती के अंदर नंबर पे आते हैं दुबई, और दुबई एक ऐसा उन्नति देश है, प्रोग्रेस देश है, जिस देश में श्री हनुमान जी का और हमें आगमन किया गया शेख बू अब्दुल्ला के द्वारा, और यहाँ पर हम 26 तारीख तक रहेंगे, एक दिन का दिव्य दरबार भी लगेगा। जिस तरीके से स्वागत हुआ दुबई में बाबा धीरेन्द्र के शास्त्री का, लग रहा था कि धीरेन्द्र के शास्त्री कहीं दुबई नहीं भारत देश में ही सनातन की धरती पर अपना झंडा गाड़ रहे हैं और सनातन धर्म के धरती पर खड़े होकर उनके भव्य स्वागत किया जा रहा है। जी हाँ, दुबई में बाबा की एक के बाद एक स्वागत किया गया, ऐसा स्वागत पहली बार देखने को मिला। पहली बार दुबई गए बाबा धीरेन्द्र के शास्त्री और भव्य स्वागत किया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि धीरेन्द्र के शास्त्री जिस तरीके से बाबा की चार दिन की यह कथा में एक दिन की दिव्य दरबार लगेगा, और बाबा कल जिस तरीके से पहुंचे एयरपोर्ट, वहीं से बाबा के स्वागत में शेख बू अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति जो बहुत बड़ा दुबई का एक बिजनेसमैन है, वो उनकी स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ा और हिंदू सनातन धर्म को लेकर वो एकदम खड़े रहे और बाबा की भव्य स्वागत से अपने देश दुबई के अंदर आगमन किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।